भाई जी अगर मैं गारंटी लेता हूँ अगर चार पांच फर्मों में भी इतनी टॉप क्वालिटी की भैंस पाजेंगे ना वैसे ही वैसे दे दो भैंस, और कोई भी कमी दिखाई दे किसी पशु में बोल देना भाई ये कमी दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट टाइमर है इसको मैं फर्स्ट टाइमर का ही बेचूंगा, कोई नुकसान नहीं है, सेकंड है इसको सेकंड कह दो जी, लेकिन सेकंड को फर्स्ट मत बताओ ठीक है। वैसे हमारी भी देखी होती है सारा दिन फील्ड में घूम जी जी, लेकिन जहाँ भैंसे जाती है उनके साथ भी वो भाई एक धोखा है भाई जी, उसमें पूरे हरियाणा का नाम बदनाम है ठीक है, कि वो आधो आदमी ऐसे करते हैं फर्स्ट सेकंड है सेकंड और थर्ड है थर्ड बिल्कुल थर्ड है, लेकिन आज सेकंड बोल सकते सेकंड में भी भैंस चल रही है लेकिन थर्ड है भाई थर्ड है बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी सारे पशु पालक भाइयों की डिमांड रहती है कि उनको जो पहले ब्यात का पशुधन है वो दिखाया जाए, और पहले ब्यात का जो एक से बढ़ करके एक जो मुर्रा के जो नायाब नगीने हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सिलेक्शन के साथ पहुंचे हैं जिला रोहतक में, और जिला रोहतक का गांव है टिटोली। जब जब टिटोली गांव का नाम आएगा एक ही चेहरे मोनवीर कुंडू सर है यहां पे आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में एक से बढ़कर के एक जो मुर्रा के नायाब नगीने हैं वो इन्होंने दिखाए थे, एक वीडियो फिर इनके यहां से कवर कर रहा हूं। पहले ब्यात की काफी शानदार जो झोटियां हैं वो लेकर के आए हैं उदाहरण के तौर पर आप यहाँ अरे के कर रहा है बेकूफ, यो टीका कति जहर का टीका है, यो मत लाइए देवी इसने एलडीएम पे सही टाइम पर दूध ना देना मेरा आगे कान पकड़ लिए बात देवा देवा दनी तुमने सारे भाइयों ने बताऊ अपने पशुओं ने एलडीएम पे आओ शमा पे पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। ये एलडीएम ना हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और ऑनलाइन मंगाने खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो, और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना 80,595,37,000 में फोन करते हैं। तो फिर से 5 से 7 पशुधन आज इनके डेयरी फार्म से दिखाएंगे और काफी अच्छा काम कर रहे हैं पशुधन को लेकर के। एक आप देख सकते हैं पीछे भारी भरकम जो ऑर्डर है उसका पशुधन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एक करके जो डिटेल्स है मैं मिलवाना चाहूंगा मोनवीर सर से, जानेंगे। नमस्कार मोनवीर सर। संदीप भाई नमस्कार, कैसे हो जी आप? बिल्कुल बढ़िया भाई जी। तो पिछला क्या कुछ पशुधन ऑलमोस्ट निकल चुका जो सेल के लिए थे? 2-3 गई हैं। अच्छा ठीक है, कुछ की बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, बात अभी जी फाइनल नहीं है जी, और 2-3 झोटियां और आई है, 2 आने वाली है, 2 अभी आगे उतर गई है। ठीक है ठीक है जी। और काफी अच्छी जो कहते हैं ना भाई, देखो क्वालिटी के ऊपर है ना जी बहुत ध्यान रखता हूँ बिल्कुल।
जब देखो गाड़ी की डिमांड होती है ना तो होता तो उसके साथ ही खरीदते हो तो उसके हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन जब हमारी चॉइस होती है तो फिर हम एक से टॉप क्वालिटी लेने की कोशिश करते हैं जी, जी। और वही टॉप क्वालिटी अब ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल एक से एक भाई जी। अगर मैं गारंटी लेता हूँ चार पांच फर्मों में भी इतनी टॉप क्वालिटी की भैंस पा जाएगी ना वैसे ही वैसे दे दो भैंस बड़ी मुश्किल से लेते हैं तो काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है सर इनके लिए। 350 किलोमीटर चल के आया हूँ, 350 किलोमीटर आज का सफर है आज का। ये आप देखें एक दिन का करीब करीब 350 किलोमीटर जो है वो इन्होंने तय किए हैं। उसके बाद और कई बार तो भाई जी रनिंग भड़क हो गया है जी, मतलब आ जाओ भाई साहब फोन है वीडियो गेरण का तो हमने ज्ञान नहीं है हाँ हाँ। पर आ जाओ झोटी ऐसी 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 जी, है जी। इतनी सरा देखे जाओ 200 किलोमीटर जाओ और तो कुछ नहीं मिलता तो काफी परेशानी होती हाँ है, गुस्सा भी आता होगा भाई वो तो पीण की आदत होगी। अच्छा अच्छा एक डॉक्टर होते हैं डॉक्टर होते हैं जी, डॉक्टर को सिखाया जाता है इलाज तो 20% सिखाते हैं, 80% गुस्सा पीना तो वो वही पेशेंट को है ना और उनके मालिकों को सांत्वना देते हैं जी, तो भाई जो सांत्वना भी तो लेनी पड़ेगी। ये आप देखें तो काफी युवा चेहरे रहे हैं पशुधन को लेकर के, सोशल मीडिया के एक जाने माने चेहरे हैं। सर शुरू करेंगे यहाँ से, क्या कुछ डिटेल्स है एक बार बताएं प्लीज भाई जी। अभी आगे उतरी है जी जी बिल्कुल तैयार है हाँ हाँ और फर्स्ट टाइमर जो होती है फर्स्ट टाइमर ठीक है लेकिन जबरदस्त क्वालिटी की जो होती है भाई जी। अभी 10 दिन बाकी है इसके बहने के। अच्छा और देखो चल क्या है भाई जी, जी। 4 दिन में ब्याह 5 में ब्याह 6 में ब्याह बिल्कुल चलने के बाद है ना थोड़ा पशु स्ट्रेस में आ जाए या खड्डे में ऊपर नीचे गाड़ी आ ना बिल्कुल प्रेग्नेंट पशु 1-2 दिन डाउन कर देता है। ये आप देखें पहले ब्यात में 4 दांत जो फर्स्ट टाइमर झोटी है वो सर के डेयरी फार्म पे देखने को मिल रही है। ये देखें जी और आपने एक बार निकाल हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा काफी शानदार काफी जबरदस्त है जो पशुधन का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहले ब्यात में। और 4 दांत फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो नीचे अडर की क्वालिटी आप देखें, किसी किसी पशुधन में इस तरह की जो अडर क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। मनवीर सर एक बार लंबा लेकर के जाए, ये देखें जी जिसके लिए एक नाम बिकता है मोनवीर कुंडू, आर्यन कुंडू डेयरी फार्म के नाम से गांव टटोली। और पशुधन आप देखें काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार जो लेवा है उसके साथ में 4 दांत पहले म्यात का जो काफ़ी शानदार पशुधन है वो निकाल दे हमारे फार्म जी। तरह बन जाएगी ये देखें जी, तो ऐसा नहीं है कि आज सेलेक्टेड पशुधन है वो लेकर के आए हैं, जितनी भी वीडियोज ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से कवर करी हैं हर बार अच्छी और उच्चतम क्वालिटी का जो पशुधन है वो इनके डेयरी फार्म पे देखने को मिलता है। नीचे से अडर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, टिट स्पेसिंग न्यारे न्यारे थन काफ़ी साफ सुंदर और जो वेन्स आप देख सकते हैं एक पशुधन को प्रमाणित करती हुई दुधारू पशुधन को। और स्वभाव आप देखें बिल्कुल शांत, किसी तरह का कोई अग्रेसिव पन नहीं। तो सर प्रेग्नेंट वगैरह किससे हो रखी है ये भाई? इसका नहीं पता उस बुल से प्रेग्नेंट है। ये देखें एक और फर्स्ट टाइमर फिर से एक और निकल करके आई है, ये देखें जी जो इनके डेयरी फार्म है उसको 4 चांद लगाते हुए पशुधन काफी शानदार सिंगों की क्वालिटी से लेकर के जो चेहरा मोरा जी अभी दो दांत में नहीं था ठीक है सर तो जमे नहीं है। और हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा काफी शानदार जो पशुधन है वो एक और फर्स्ट टाइमर है मुनवीर सर। अच्छा ये देखे जी काफी बेहतरीन, लंबा लेकर के जाएं सर प्लीज। प्योर ब्रीड होती है ना तो प्योर है। चेहरा मोरा सिंगों की क्वालिटी से लेकर के हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा है वो आप सब पशु पालक भाइयों के सामने। तो ये भी बच्चा देगी सर अभी कितना टाइम बचता है इसका? 12-13 तारीख को दिन पूरे हो गए। अच्छा 12-13 तारीख को जो दिन है वो पूरे हो रहे हैं, करीब करीब आज 6 तारीख है जो वीडियो है मैं इनके यहाँ से शाम के समय में कवर कर रहा हूँ। संडे का दिन और पशुधन आप देखें काफ़ी बेहतरीन अडर क्वालिटी के साथ चाल ढाल और स्वभाव हाव भाव यहाँ पे देखें काफ़ी बेहतरीन और पहले म्यात का पशुधन है। तो मुनवीर सर कोई सीमन वगैरह यूज किया है? जो नरेंद्र सेक्रेटरी सर के पास है, गांव डिडवाड़ी है और जिला पानीपत। ये आप देखें नरेंद्र सर का जो बुल है काफी लंबा ऊंचा लंबा हाइट लेंथ में, उस बुल से इसको ग्याबिन करें इसका
इसकी माँ का। अच्छा इसकी माँ का, ठीक है। और 20 प्लस की उम्मीद है इससे, 20 प्लस दूध की उम्मीद पूरा पूरा कर रहे हैं। अभी समय बचता है, लेवा आप देखें, एक हफ्ते का करीब करीब समय है, पीछे तक का जो लेवा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बाकड़ी पिछली वीडियो में भी थी जी, ठीक है, अभी पहले से तैयारी पे है, 4-5 दिन के अंदर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला पशुधन मोनवीर सर बताए प्लीज। ये भाजी देखो, पिछली वीडियो में आपने कुछ दिखाई दिया होगा, भैंस बीमार थी, बिल्कुल देख लो भैंस जबरदस्त बढ़ के आई, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अभी 20 प्लस पे आई है भाई, पिछली वीडियो में 15-16 लीटर पे थी। अच्छा 20 लीटर दूध अभी तैयार है, अभी हो गया तैयार, ठीक है, अब बढ़ती आ गई है, एक बार ये तैयार हो जाए जी जी। ये देखे ब्यात कौन सा था जी, तीसरा, तीसरा भाई जी। तीसरे ब्यात में जो पशुधन है, जब पिछली वीडियो कवर हुई तो उसमें काफी कमजोर दुबली पतली महसूस कर रही थी, आज पशुधन की पोजीशन देखें, ठीक हो रही है, धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। और पशुधन आप देख सकते हैं जी, भारी भरकम अडर क्वालिटी के साथ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया जी। 20 लीटर दूध मौके पे तैयार है, अडर क्वालिटी आप देखें, बच्चे अंदर हैं, इसी वजह से थोड़ा सा उत्सुकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। पशुधन आप देख सकते हैं जी, बहुत बढ़िया। तो अभी दूध पूरा है जी, जिस हिसाब से आप लेकर के आए थे भाई, अभी तो आए तो अच्छा। अडर की क्वालिटी जरूर दिखाना चाहूंगा नजदीक से, ये देखें आगे नाभि से लेकर के जो पीछे मूत्रमार्ग तक का जो अडर है वो यहाँ पे देखने को मिला। अभी स्वभाव आप देखें, तीसरे ब्यात में बिल्कुल शांत स्वभाव का जो पशुधन है वो, इधर से देखो संदीप भाई, एक बार इधर से खड़े होकर दिखाओ भैंस को अडर क्या। वेन्स आप देखें, काफी मोटी मोटी जो बेहतरीन वेन्स है अडर में वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पशुधन है बिल्कुल शांत स्वभाव में, पहले से काफी बेहतरीन तैयारी के साथ जो पशुधन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले पशुधन पे आते हैं जी, आप खड़ा होकर देखो ना, देखो बिल्कुल वी शेप में इतना बड़ा अडर बनाएगी, अभी आधा जोश है इसमें, बिल्कुल पूरे जोश पे पैसा ही नहीं है। ये देखें जी, काफी बेहतरीन पशुधन, और शाम का समय, गर्मी अच्छी खासी, बारिश के संकेत, 16-17 लीटर दूध अभी हाल फिलहाल में तैयार है, अभी 8-9 दिन की ब्याई होगी, ठीक है सर। तो ब्याज कौन सा था मुनवीर सर इसका, सेकंड लैक्टेशन में ब्याज। और पशुधन आप देखें, काफी बेहतरीन, काफी जबरदस्त पीट फुट्ठे का, एक शो क्वालिटी का पशुधन, अच्छा अच्छा। ये देखे जी, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और जब मोनवीर सर की वीडियो कवर करते हैं, जो पशु पालक भाई हैं उनकी जो धड़कने हैं वो तेज हो जाती हैं कहीं ना कहीं, उसी की तर्ज पे जो झोटी है वो देखें, बहुत बढ़िया, काफी शानदार जो पशुधन है वो। और पिछली वीडियो में भी कवर किया था, जो कंपटीशन है उसके लिए लेकर के आए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने बच्चा जना, बच्चे को जन्म देने के बाद पशुधन है उसकी आज जो क्वालिटी है वो देखें, काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब, काफी जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। दो पशुधन और बचते हैं मोनवीर सर, एक बार बताएं प्लीज। अच्छा ये भी सेल हो गया, जो कटिंग हो रही है गोलू मूल से प्रेग्नेंट है वो भी सेल हो, फर्स्ट टाइमर। अच्छा ये कहाँ जा रही है, वो भी भाई एक ही है। अच्छा गुड्डू सर आजमगढ़ जी, तो ये भी आजमगढ़ जा रही है, ये भी आजमगढ़ जा, ये फर्स्ट टाइमर। पिछली बार अडर आपने देखा हूबहू सेम, शाम का समय है, दूध का समय, अडर आप देखें, टिट स्पेसिंग आप देखें, काफी बेहतरीन, काफी शानदार, अभी 17 लीटर दूध है भाई, आजमगढ़ सेल होकर के जा रही है गुड्डू सर आजमगढ़ के पास, काफी दो की और कमी है जी पूरी करके। अच्छा अभी बोल रहे थे इसके लिए, बोल रहे थे वो, हाँ हाँ ये भी दे दो मेरे को, ठीक है देनी है ना जी जी जी। एक और पशुधन है मुनवीर सर बताएं। ये भाई सेकंड टाइमर है, 6 दांत है अभी, ठीक है ठीक है, और इसमें आज 15 लीटर दूध है, सेकेंड टाइमर, दांतों में 6 और 15 लीटर दूध मौके पे तैयार है। तो ये पिछली वीडियो में भी थी, हाँ पिछली वीडियो में, तो इसमें 12 लीटर दूध था भाई जी जी, 12 लीटर के करीबन जो दूध था वो इसमें था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मुनवीर सर, 5-7 भैंसे आज दिखा रहे हो भाई, देखो क्वालिटी तो पब्लिक की बताई, कैसी क्वालिटी दिखाई दी आपने जी जी, और कोई भी कमी दिखाई दे किसी पशु में बोल देना भाई ये कमी दिखाई दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल।
और सबसे ज्यादा भरोसा आज मेरे को देखो ये भैंस है ना ड्राई लेके आया हूँ, इस पे तो बहुत ज्यादा भरोसा है जी। लेकिन इस पे जो मालिक ने मैंने सेल कर दी थी भाई, लेकिन जिस पे ली थी वो मालिक ने बोला कुंडो साहब बोला 20 दिन रोक ले भैंस ने मेरे, स्पेशल इसलिए रोक कर रखी है भैंस की, उसकी उम्मीद है जो मालिक की 2829 लीटर की, हम 25 प्लस की मानते हैं। अच्छा ये आप देखें, तो अब इसको सेल करोगे उसी मालिक को सेल करोगे जो? नहीं भाई जी, इसका भी कोई सौदा नहीं, कोई सौदा नहीं, दूध तैयार नहीं होगा जी। तो 20 दूध तैयार नहीं होगा तो भाई अगले साल फिर 20 किलो दूध तो अभी आप बता ही रहे हो, 20 किलो नहीं मानते भाई, पैसा इतना लगा रहे हैं, कम से कम 25 प्लस दूध होना चाहिए। तो जितनी भी भैंसे हैं मैंने आपको दिखाई मोनवीर सर के डेयरी फार्म से, कुछ एक पशुधन जी, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी, मैं नाम तो ले रहा नहीं था जी, ये फर्स्ट टाइमर है, इसको मैं फर्स्ट टाइमर कह बेचूं, कोई नुकसान नहीं है, सेकंड है उसको सेकंड कह दूं जी, लेकिन सेकंड को फर्स्ट मत बताओ, सेकंड को फर्स्ट मत बताओ, ठीक है। वैसे हमारी भी देखी होती है, हम सारे दिन फील्ड में घूमते जी जी, लेकिन जहाँ पैसे जाती है उनके साथ भी वो भाई एक धोखा है, बिल्कुल 16 लीटर दूध होता है, 20 लीटर बताते हैं उसका, तो थोड़ा सा साफ सुथरा काम करें जी, सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश भाई जी, उसमें पूरे हरियाणा का नाम बदनाम है, ठीक है कि वहाँ तो आदमी ऐसे करते हैं जी, पशु सभी के देखे जिसके पास जो कस्टमर होता है, हम वो जो पशु मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे 4 कस्टमर ने देखा हुआ। फिर भी जो पशु पालक भाई हैं उनसे चिल्ला चिल्ला करके एक आग्रह, एक अनुग्रह है, एक जो रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट सेकंड है, सेकंड और थर्ड है, थर्ड बिल्कुल थर्ड है, लेकिन आज हम सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड पे भी चल रही है जी, लेकिन थर्ड है भाई, थर्ड है बिल्कुल, क्यों छुपाना है जी जी जी। ये आप देखें साफ सुथरा काम करें, पशुधन को देख करके जांच करके अच्छे से दूध वगैरह निकाल करके तब ले, तो उसमें न सिर्फ जो देने वाला उसकी भलाई बल्कि कहीं ना कहीं लेने वाले की भी भलाई है जी। देखो 1-2 लीटर की ऊपर नीचे चल जाएगी जी जी, 5-6 लीटर की निकलती ऊपर नीचे, बिल्कुल रही बात आज उसकी 100 किलो दूध है, अगर आज ये जहाज कहीं पे जाती है वहाँ पर 15 कर देगी जी जी, लेकिन पिक पाओगे तो वहाँ 20+ निकला तो मैं बैस वोल्टी लेने दा दूँ ये आप देखें, तो भाजी चीज दे उसे ठोक कर दोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छी बातों के साथ अच्छा पशुधन इन्होंने दिखाया, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशु पालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।